नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप भंडारी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो ललकार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल भाई दूज है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए है, हर संप्रदाय, हर धर्म, हर जाति के लिए जब भी हम बात करते हैं, पर AIUDF के जो चीफ है बदरुद्दीन, उन्होंने कहा है कि कानून जो भी हो मुस्लिम जो है उसका पालन नहीं करेंगे और वो बच्चे पैदा करते रहेंगे। मैं इसका खंडन करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण को धर्म के चश्मे से देखना गलत है और धर्म के चश्मे से इस पे राजनीति करना भी गलत है। और आज ललकार का यही मुद्दा है जहां भारी मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में लोग बता रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शो शुरू करने के पहले देखिए एक मिनट की ग्राउंड रिपोर्ट। तो नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाओ, बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाओ। ऐसे बेतुके बयान का मैं खंडन करता हूँ और जनसंख्या को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने का भी मैं खंडन करता हूँ। अगर माँ बाप दुबई बंद कर देते आज मोदी जी भी पैदा नहीं होते। क्यों जनसंख्या को ऐसे नेता हिंदू मुसलमान के रूप में देख रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम लोगों को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी के हमको एक पैसे की उम्मीद नहीं है, इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाओ। सुना आपने, ऐसे वक्त में जब असम के CM से लेकर देश के PM जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हूँ, तो ऐसे में असम में AIUDF पार्टी के नेता बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं। असम सरकार के 2 बच्चे पैदा करने वाले को ही सरकारी नौकरी देने वाले फैसले पर घमासान मचा हुआ है। इसी फैसले के विरोध में अब बदरुद्दीन अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। विरोध में बदरुद्दीन ने PM मोदी और असम के CM सर्बानंद सोनोवाल पर बेतुका बयान दिया। चीफ मिनिस्टर मिलेगा ना कोई प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर खुद अपने भाई बहनों में 5 नंबर या 6 नंबर पे है मोदी जी। अगर ये 6 नंबर वाला बच्चा या 5 नंबर पैदा नहीं होता तो आज मोदी जी भी पैदा नहीं होते, इसलिए 5-6 बच्चे पैदा होने देना पड़ेगा। इधर हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी वो अपने भाई बहनों में 8 नंबर पे हैं। अगर माँ बाप दो पे ही बंद कर देते तो ये सर्बानंद सोनोवाल का वजूद भी नहीं आता और चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते। जाहिर है बदरुद्दीन का विरोध मुसलमानों के नाम पर सियासत करने से जुड़ा है, मुसलमानों के विकास से जैसे इनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बदरुद्दीन के बयान का मुस्लिम समाज से ही विरोध हो रहा है। अगर आसाम हुकूमत ने 2 बच्चे पैदा करने की बात कही है तो ये सभी धर्मों के लिए है, सभी समाजों के लिए है। खाली मुसलमानों को इसका बुरा अगर लग रहा है तो उनकी वो कुछ भी अपनी सोच हो सकती है। अगर के आप चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल बने, उनको सरकारी नौकरियां मिले, तो जो हुकूमत का फैसला है उसको आपको मानना चाहिए। यहां संविधान के तहत हिंदुस्तान की हुकूमतें चलती हैं, आपका शरई कानून हिंदुस्तान पर लागू नहीं होता। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने 22 अक्टूबर को फैसला लिया था कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कैबिनेट फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2021 के बाद से 2 से ज्यादा बच्चे वालों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। 126 सीटों वाले असम विधानसभा ने 2 साल पहले जनसंख्या नीति को अपनाया था और अब सोनोवाल सरकार ने फैसला लिया है। सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने असम की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को पास किया था ताकि छोटे परिवारों को प्रोत्साहित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल आज मैं यही पूछ रहा हूं, सवाल मैं आज यही पूछ रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण को धर्म के चश्मे से देखना कितना गलत है, ये मैं कहता हूं। इस पे आज अपनी अभिव्यक्ति आप रखिए। आज भारी मात्रा में जनता मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा जनता को इस मुद्दे पे जोड़ने वाला हूं। मेरे साथ टॉपिक को शुरू करने के पहले कमॉन इंडिया बैंड है, कमॉन इंडिया बैंड, गो फॉर इट। रिपब्लिक भारत की यही पुकार बोल रहा है ललकार, रिपब्लिक भारत की यही पुकार बोल रहा है ललकार। हम दो हमारे दो देश को संदेश दो, हम दो हमारे दो देश को संदेश।
संदेश दो, रिपब्लिक भारत यही पुकार बोल रहा है ललकार, रिपब्लिक भारत की यही पुकार बोल रहा है ललकार। हम दो हमारे दो देश को संदेश दो, हम दो हमारे दो देश को संदेश दो। एक बड़ी समस्या बन चुकी है जनसंख्या, बढ़ती आबादी ने सुना मिला दी, गरीब और गरीब हो रहा, बंगलों के ख्वाब लिए झोपड़ी में सो रहा, चंद पैसों के लिए ईमान खो रहा, जनसंख्या विस्फोट का सारा परिणाम है, भीड़ ही भीड़ है, न मिल सको कोई काम है। हम दो हमारे दो देश को संदेश दो, हम दो हमारे दो देश को संदेश दो, हम दो हमारे दो देश को संदेश। जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन इंडिया बैंड के लिए काफी यंग बैंड है। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जनता के पास आऊंगा। मेरे साथ दोनों टीम में मौजूद है, टीम वन में मौजूद है प्रिया चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एके मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट इसमें साथ देंगे, जुड़ने के लिए धन्यवाद। देश रतन निगम जी पॉलिटिकल एनालिस्ट सीनियर एडवोकेट, अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ टीम टू में मौजूद है चेतन सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सत्ता विरोधी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिक खान जी इस्लामिक स्कॉलर है सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सत्ता विरोधी राय रखते हैं प्रेम कुमार, 35,000 के फोन के साथ प्रेम कुमार। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर जी AIUMIM के स्पोक्स पर्सन है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के पास आऊंगा ओपनिंग राउंड अन इंटरप्टेड 20 सेकंड, उसके पहले जनता इस मुद्दे पे कोई कुछ कहना चाहता आप कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं इस बयान के बारे में? बयान तो जो भी है, ये जनसंख्या के लिए, आप मीडिया हो या नेता हो, ये कहते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से बेरोजगारी है, और कहने का मतलब कि रोजगार नहीं है, खुशहाली नहीं आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने खाने वाले इतने कमाने वाले हैं तो ना ऑटो सेक्टर में खरीदारी होती है, ना किसी दुकानदार में खरीदारी होती है। अगर ये कमाने वाले खाने वाले कम हो जाएंगे तो कहाँ से खुशहाली और कहाँ से आएगी खुशहाली? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सेकंड रुकिए सर, बोलिए बोलिए। बकरुद्दीन ने सबसे पहले जो गलत बयान दिया है उनको ये बयान वापिस लेना चाहिए। और ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या हिंदुस्तान में समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल, ज्यादा बच्चे पैदा करने से हिंदुस्तान में समस्या हल हो जाएगी। आप में से कोई यहाँ पे कहना चाहता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या आप कुछ कहेंगे सर? ओहो, यहाँ पे घबरा रहे हैं लोग, कुछ नहीं कह रहे हैं। कोई नहीं, चलिए सर मैं आपके पास आऊंगा, थोड़े से घबरा के मैं सर, आप क्या कहेंगे? हेलो, हाँ जी, मतलब जनसंख्या का कोई असर नहीं पड़ता जी। अगर सबको रोजगार मिल जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जनसंख्या क्या 2014 के बाद ही लोग क्या 2014 के बाद ही शादी करने लगे? पहले क्या नहीं करता था क्या? आप एक बात बताइए, जनसंख्या अब जिस नेता का 10-10 बच्चा है वो भी कह रहा है कि जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, तो ये किसी धर्म विशेष को देख के क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल बड़ी बात बोली है, तो इसी पे सवाल उठा रहा हूँ मैं कि धर्म से क्यों उसको जोड़ा जा रहा है। और इसकी बात पॉलिसी तो पहले से ही, देश रतन निगम जी आऊंगा आपके पास, चार लोग को लेके आऊ। देश रतन निगम जी, जनता ने क्या बोला? 20 सेकंड अनइंटरप्टेड ओपनिंग आर्ग्यूमेंट। देखिए, चाइना को हम अगले 5-6 साल में हरा देंगे जनसंख्या के मामले में, और चाइना के पास हमारे से 3 गुना ज्यादा एरिया है। तो ये सोचिए कि भुखमरी की हालत हो जाएगी अगर इसी हिसाब से हिंदू मुसलमान आपस में ज्यादा बच्चे अगर पैदा करने के बारे में सोचेंगे तो खाने का कहाँ लाएंगे? हम तो आज अपने बारे में सोच रहे हैं। आफिस साहब जी, आप कैसे देखते हैं धर्म से जोड़ा जो है बदरुद्दीन जी ने? देखिए, इसको ना धर्म से जोड़ना चाहिए, प्रकृति से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इससे पहले हिंदुस्तान की आबादी जब देश में आजाद हुआ था 20 करोड़ थी, आज 125 करोड़ है। और सुविधाओं के एतबार से भी हिंदुस्तान में सारी सुविधाएं देश की जनता के लिए, जो आएगा जो पैदा होगा उसका खाने का उसके रहने का इंतजाम खुद ब खुद प्रकृति करती है, खुदा करता है और करती है। देखिए, बदरुद्दीन अजमल के बयान से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जहां से वो जीतते हैं अगर जनसंख्या का संतुलन नहीं होता तो उनका जीतना कठिन हो जाता। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है जबकि सम्मानित मुस्लिम विद्वान उलेमा सब कहते हैं कि हमारे मजहब में कभी भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, हम पैदा करेंगे। इसलिए अजमल सर, प्रेम जी अनइंटरप्टेड इसमें बदरुद्दीन जी की बात की दुबली से आते हैं, जहां पे 50% ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है। देखिए, मोदी जी की बात से सहमत हैं कि जनसंख्या इस देश की ताकत है, दुनिया में सबसे अधिक वर्क फोर्स हमारे यहाँ है, ये हम सहमत हैं। लेकिन जनसंख्या अगर सांप्रदायिक आधार पर अगर कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है तो यही ताकत हमारी कमजोर हो जाती है। मुसलमान अगर हिंदुओं से स्पर्धा माफी चाहूंगा, सॉरी, AK जी, गवर्नमेंट ने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया, उसने बोला है कि दो बच्चे जिनके होंगे हिंदू या मुसलमान हो। बदरुद्दीन जी ने इसको कम्युनलाइज किया है, उनसे पूछो, अरे जिहाद पे जाना है क्या जो आप इतना जनसंख्या के लिए कर रहे हो? खुद उनके साथ साथ बच्चे हैं,
उनसे अभी ये मौलाना जी बोल रहे थे प्रकृति हो रहा है ना, बगदादी मारा गया ना, क्या हालत हो रही है प्रकृति की, आप ठीक से बच्चे पैदा करिए, ठीक से पालिए। आप चेतन जी आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए सांप्रदायिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम देखें मलता सुरीति पॉपुलेशन के ऊपर, दूसरा चाइना की जो पॉपुलेशन है उसने उस पॉपुलेशन को अपना एसेट बना लिया, उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। मोदी जी भी हमेशा ये कहते हैं कि मैं बाहर जाता हूं, मेरे देश के पास बहुत जनसंख्या है और बहुत काबिल जनसंख्या है, अब आवश्यक है इसको रंग ना देके उसको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे अवसर ढूंढे जाए, इसकी आवश्यकता है। सर पर चाइना में भी तो वन चाइल्ड पॉलिसी हुई थी। देखिए हम लोग लॉ बाइंडिंग पीपल हैं, भारत का गरीब मुसलमान भी यही चाहता कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर एसपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग जो इस पर आसीन हैं कब्जा किए हुए हैं वो उस जाहिल को जाहिल ही रखना चाहते हैं, उनको मुख धारा से जोड़ना नहीं चाहते। इसलिए अगर कानून बनाने की मंशा है सरकार की तो पूरा देश स्वागत करेगा। स्वागत करेगा प्रिया जी, क्या बीजेपी का इसमें स्टैंड, अनइंटरप्रेट 20 सेकंड। बददिमाग बदरुद्दीन और ये विपक्ष, बीजेपी कोई पॉलिसी लेकर आई नहीं कि उसमें हिंदू मुसलमान घुसाया नहीं, और वो भाई साहब कह रहे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, मतलब महिलाएं आपके लिए बच्चे पैदा करने की मशीन है कि उनके मुंह में अन्न देने के लिए है नहीं, और जब तक उनका प्रोडक्टिव सिस्टम चलता है तब तक बच्चे पैदा कराते रहो, अगर किसी महिला का 70 साल की उम्र तक चलता है तो बच्चे पैदा कराते रहो। डिबेट हो रही है, 20 सेकंड में चाहूंगा महिला का इसमें लू। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी इसमें, आपकी क्या राय? बच्चे तो दो ही होने चाहिए, बच्चे दो ही होने चाहिए। मैडम ये कह रही है, यहाँ पे और कोई कुछ कहना चाहता है? आप बोल चुके हैं उधर आप आएंगे, आप यू आए, बोलिए सर, बोलिए। मेरा कहना ये बच्चों पे कंट्रोल करना तो जरूरी है, बट इसके लिए किसी मतलब पर्टिकुलरली मुस्लिम को इंटीग्रेट करना कि ये बहुत गलत चीज है। बिल्कुल गलत है, धन के चश्मे से देखना गलत है। डिबेट को शुरू करूंगा। प्रेम कुमार वर्देश अवधेश रुक जाइए, मुझे बताइए वो वही बददीन है जिसने कहा था 2018 के अंदर की जो जर्नलिस्ट को कुत्ता कहा था, ये वही बददीन है जो जहां से आते हैं जहां पे दुबरी में सर 50% ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है। मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या की बात कोई भी पॉलिसी के अंदर जब धर्म से नहीं देखी जा रही तो बददीन अपनी राजनीति के लिए इसको धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं, इसका आप खंडन करिए, सांसद को बर्खास्त करना चाहिए। देखिए बर्खास्त करिए, बदरुद्दीन जैसे व्यक्ति डिबेटेबल नहीं है, गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति, सुदर्शन जी जैसे सबको वो भी कहते थे कि सबको एक लाइन में गिन लगेगा, जनसंख्या का सवाल है, एक हिंदू को पैदा करने का बयान किसी ने नहीं दिया है। प्रेम जी एक साथ कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ। 1951 की पहली जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 85% थी, 2011 में 79.6% हो गई, मुस्लिमों की आबादी उस समय 7.9% थी, 2011 में 14.2%। हाफिज साहब कैसे कहेंगे? देखिए ये तो एक इल्जाम है किसी पे, आसमान से जो रूहें आनी हैं, जो आत्माएं आनी हैं, न दुनिया की कोई ताकत रोक सकी न रोक सकेगी। हाफिज साहब पर मेरा सवाल ये है कि एक नियंत्रण तो होना चाहिए, कोई भी धर्म हो, ये महिला कोई रिप्रोडक्टिव मशीन तो नहीं है किसी बच्चा पैदा करे, महिला की खुद की भी एक आकांक्षा है, आशा है, वो भी कुछ करना चाहती, तो महिला को इस तरीके से हम क्यों देखें, सिर्फ वो बच्चा पैदा करने की मशीन क्यों देख रहे हम? जिसके बच्चा नहीं है ये जहरीले लोग, जिसके बच्चा नहीं है ना वो बच्चा पैदा करके दिखा दे। इनसे ये पूछिए जब वही आसमानी ताकत उसको मारती है बीमार करके तो क्यों चिल्लाते हो सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी और व्यवस्था करेगी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऊपर वाले ने तुम्हें दिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे कोई 130 करोड़ की जिम्मेदारी सरकार की है चेतन जी, पर मेरा सवाल यह है कि जी क्या महिला आज सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन तो नहीं है कि 10 बच्चे 11 बच्चे 9 बच्चे 8 बच्चे 7 बच्चे? एक नियंत्रण होना चाहिए, महिला की खुद की एक डायलॉग है, किसी ने महिला से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, महिला ने बोला महिला को ये नहीं पता कि उसकी वो उम्र क्या है जो अपने लिए जीती है। आज आप मुझे बताइए क्या महिला का काम सिर्फ पुरुष के लिए जीना है? आज क्या महिला अपनी जिंदगी नहीं जिए प्रिया जी, और उसमें क्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है? यही तो सवाल है मेरे देश का दुर्भाग्य कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे हैं जो कहते हैं आसमान से रूहें उतरेंगी, आप अपने अंदर क्यों नहीं संभाल लेते? तो 5 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने कहा है, 5 घंटे पहले अगर आप ऐसी बात करते तो भारतीय जनता पार्टी के हाफिज साहब एमएलए ने कहा है कि हिंदुत्व को अगर बचा के रखना है तो यह बहुत जरूरी है कि बच्चे कम पैदा हो। अब हिंदुत्व से क्यों जुड़े इन्होंने? देखिए हिंदू मुसलमान है, यही तो सवाल है कि एमएलए ने क्यों जोड़ा जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी करना और एक संगठन का कोई प्रवक्ता का। आप मुझे प्रिया जी ये बता दीजिए, आपका इतना प्रचंड बहुमत है, आप जो भी कानून बनाएंगे कौन रोक सकता है? बना दीजिए कानून, क्यों कानून ही तो बन रहा है,
बहस तो इस बात की हो रही है कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग आकर कहेंगे कि हमें नियोजन नहीं चाहिए जितने चाहे। देखिए देखिए एस एस के चिप क्यों कह रहे थे कि 11 बच्चे पैदा करें, क्यों कह रहे थे आर एस एस के चिप, क्यों कह रहे थे? क्यों कह रहे उनको बता रहा हूँ ना, आर एस एस के चिप क्यों कह रहे थे कि भाई 11 बच्चे पैदा करो? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब ये इस जिहादी मानसिकता का सोच रखेंगे, आसमानी देश के लोग हैं हम, देश इसकी बात सोचते हैं, आप न देश इसकी बात सोचते हैं बल्कि आप कंपटीशन करना चाहते हैं। देश रत्न निगम जी ये बता दें कि कौन सी संस्था है जो वो महिलाओं को पुरस्कार देती है, सम्मानित करती है कि आप बदरुद्दीन को पहले बताइए बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बदरुद्दीन को बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले देश रत्न जी से पूछ लीजिए क्यों आप सम्मानित करते हैं। देखिए ये नहीं, ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है। धर्म से बदरुद्दीन ने जोड़ा है, वो कानून बनाया, वो सबके लिए, वो मुसलमान हिंदू के लिए कानून नहीं है। वो सतन जी जब सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है तो मुद्दों से भटकाने की बात भाई। अरे भाई सवाल तो करिए, सवाल आपसे पूछेगा, आप बताइए आपकी कौन सी संगठन ऐसी है जो ज्यादा बच्चे पैदा करने? देखिए कोई संगठन हिंदुस्तान में नहीं है, कोई संगठन हिंदुस्तान में नहीं है जो ज्यादा बच्चे पैदा करने में पुरस्कृत करता है। कौन नाम आपसे पूछा, बताइए आप बताइए, ये बताएंगे इनको पता है? चेतन जी को कुछ फैक्ट समझना, मैं जोश से ज्यादा कुछ फैक्ट कर रहा हूँ। देखिए 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.8% घटी है, मुस्लिमों की आबादी 28% बढ़ी है, सिखों की आबादी घटी है। हिंदू मुस्लिम के जश्न आप क्यों देखो, बोला ईसाइयों की आबादी? आप हिंदू मुस्लिम मत करिए, ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक बना रहे हैं आप। नहीं बोल, मैं फैक्ट बोल रही पर आप हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं हिंदू मुस्लिम इसलिए मैं भी फैक्ट बोलना चाह रहा हूँ। हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या में क्वांटिटी हमेशा अधिक रहेगी, लेकिन परसेंटेज में देखिए। सवाल तो ये है कि इसको हिंदू मुसलमान बदरुद्दीन ने बताया है, इसके पहले हिंदू मुसलमान का बयान तो किसी ने नहीं दिया, ये बदरुद्दीन ने कहा है, तो इसीलिए मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। और इसीलिए मेरे दोस्त ने जब पूछा कि इसको आप धन के चश्मे से क्यों देख रहे हो, मैं भी खट्टन कर रहा हूँ धन के चश्मे से देखने का। देखिए जब भाई साहब कह रहे हैं कि ऊपर वाले कुदरत जब बच्चे दे रहे हैं तो भैया नौकरी खाना रहना पानी ऊपर वाले से मांगो ना, मोदी से क्यों मांगते? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, सवाल दीजिए। ये सारी चीज ऊपर वाले ने दी है, ये इनकी गलतफहमी है, इनकी कामयाबी इनकी अपनी है। ऊपर वाला जब चाहेगा लपेट देगा, जब चाहेगा चपेट देगा, क्योंकि हमें पैदा करने वाला वो है और हमें भोजन। कुरान में 3 कहा है, कुरान में ये कहा दिया है कि अगर बच्चे कम पैदे होंगे तो आप कुरानी क्या? कुरान में ये कौन से वर्ष में दिया है कि अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो इस्लाम के खिलाफ है? इसकी मैं नहीं कह रहा, कुरान में ये कहा है कि पहले बच्चों को पैदा होने से लड़कियों को मार दिया जाता था। कुरान 30वें पारे में कह रहा है जिनको हम रोजी तुम्हें दे रहे हैं उनको भी देंगे, आप इनको जान के क्यों ले रहे हो, इसका जवाब दे। कुरान में देखिए, कुरान जितना मैंने पढ़ा है कहीं न कहीं भी अल्लाह ने खुदा ने ये नहीं कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। ज्यादा बच्चों की नहीं कहा, जो लोग मारते थे अपनी बच्चियों को मार देते थे उनके बारे में कहा। लीबिया इराक सीरिया नहीं बना देने वाला, वो आप न किसी चीज को रोक सकते, न सीरिया को रोक सकते, पर जब इंदिरा गांधी के समय हम दो और हमारे दो की बात हुई थी तब तो ऐसे बयान नहीं आए थे। और अगर आप मुझे बताइए 2006 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि मुस्लिम जो है समुदाय इकोनॉमिक सोशल एजुकेशन रूप से नीचे है और उनको ऊपर उठाने की जरूरत है, तो इसमें अगर जनसंख्या पूरे देश में ज्यादा बढ़ेगी तो जो लोग खुद है उनको कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे, जवाब दीजिए। जब तक 2-3 देंगे नहीं, 2-3 नहीं सर, काउंटर करिए। अरे नहीं आप करिए, देखिए एक तो कुरान को गलत व्याख्या उसकी नहीं होनी चाहिए। डिबेट में आप डिबेट कर रहे हैं 2019 में और बात आप करेंगे मन कभी और किसी जमाने का तो नहीं होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में आप तो इसी रिपोर्ट को कोट करते हैं ना, आप तो सच्चर को ही कोट करते हैं, तो मैंने भी सच्चर को, मैं कुरान की भी बात कर रहा हूँ। बताइए कहाँ लिखा है कुरान के अंदर की ज्यादा बच्चे पैदा? बिल्कुल नहीं, जब तक दुनिया है तब तक कुरान है और आज भी हमारे लिए कुरान है। लेकिन ये जो व्याख्या की जा रही है कि कुरान में ये मना कर दिया गया ये मना कर दिया, ये अध्ययन नहीं करके आने का बिल्कुल देखिए नहीं ये बदरुद्दीन और ये मौलाना। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, जो लड़कियों को मार दिया जाता था जिंदा दफना दिया जाता था उनके विरोध में कुरान ने कहा है कि जिनको हम आज सारी जिंदगी बदरुद्दीन ने और ऐसे जैसे वो बोल रहे हैं बाकी मुस्लिमों ने बदरुद्दीन को सस्पेंड देखिए सस्पेंड है ये आप इनसे गलत रहे, लीगल मामला है। मैं कह रहा हूं बदरुद्दीन को भी सस्पेंड, गिरिराज सिंह को भी सस्पेंड कर देंगे। आप एक बार बदरुद्दीन को करा के दिखाइए, एक बार बदरुद्दीन को करा के। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, जिसकी जो क्षमता है अपनी अपनी पार्टी से बरकरार।
एकदम राइट, दोनों तरफ से टकराव की बात होती है। जो मूल मुद्दे हैं उससे आम जनों के ध्यान ये क्यों हटा रहे हैं, क्यों मूल मुद्दे से आम जनों के ध्यान को भटका के बदरुद्दीन जी ने ऐसे बयान दिया? मैं कह रहा हूँ कि क्या लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए, इनको देखिए आप लोग ऐसे ही मुसलमान पीछे है, नेतृत्व यही कर रहे थे अल्लाह वाले, क्या मुसलमान पीछे हो गया? हालत खराब हो गई थी, अब की बार मोदी गवर्नमेंट है कहीं सच में लागू कर देगी ना तो फिर ये बोलना भी भूल जाएंगे। ऐसा है उत्तराखंड में कई गांवों में कई महीनों तक लड़कियां पैदा नहीं हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ रह गया? प्रिया जी से पूछिए ना, अभी जो 12-13 सिर्फ आसाम की बात नहीं हो रही है, 12-13 स्टेट इस चीज को लागू कर चुकी थी चुनावी फायदे के लिए, चार स्टेट ने इसको हटाया। देखिए प्रिया जी, उत्तराखंड में कई गांवों में 3.5 महीने तक एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। इस रिपोर्ट का जो चेतन जी कह रहे हैं, इस रिपोर्ट का प्रशासन ने खंडन कर दिया। कैसे खंडन कर दिया उसके बताइए, उसका प्रशासन के खंडन से नहीं होता है, वो रिपोर्ट तो कहाँ खड़ा है, वो रिपोर्टर हो गया था। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ उस रिपोर्ट का खंडन हो गया था और आज ये भी नहीं होता, अरे संतुलन नहीं है, उत्तराखंड में लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया गया और ये आप क्या मुसलमानों की है, महिलाओं के जी नहीं, मैं इसके बिल्कुल गलत, बिल्कुल ये लोग महिलाओं के खिलाफ जो अपना दृष्टि जो चीजें नहीं बहुत हो गया ये, और सवाल के मुद्दे पे आना चलेगा और उधर मैं आ रहा हूँ, आप बोलिए सर, मुझे बताइए बोलिए सर। एक तो मैं पैनल वालों को जानता हूँ। आप नहीं, आप मुद्दे पे आइए, उनका वो जो कह रहे हैं कुरान और इस्लाम से पहले भी दुनिया थी ये भूल जाइए, और ये हर बात पे कहते हैं अल्लाह देता, ये वही बात हुई कोई मकान के आगे पेशाब कर रहा है कि साले तू कुछ भी कर ले हम तो करेंगे, ऐसी बात बोलिए। ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इनको पता उत्तराखंड क्या है, कभी गए उत्तराखंड में? उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में जितनी बेड़ियों को पूजा जाता है वो कहीं नहीं पूजा जाता। आपने उत्तराखंड के खिलाफ बयान दिया, जवाब दीजिए चेतन जी। देखिए आपका नाम क्या नाम बताइए। अजय रावत इस जनता के सदस्य हैं, अजय रावत जी का जवाब दीजिए चेतन जी, उन्होंने पूछा आपको जानते हैं उत्तराखंड को, आप जवाब दीजिए अजय रावत को। देखिए उनका सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, वो उत्तराखंड के होंगे और बिल्कुल अच्छी बात है, उनका सवाल बिल्कुल जायज है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों ऐसी रिपोर्ट आई, सरकार ने तो जवाब दिया अभी आपको बताया ना, सरकार ने कांडा को अपने साथ ले जाके जवाब दिया। कब दिया कोई, अरे खुद से चलकर आ गए, कोई आधिकारिक बयान बताइए। हिसार अंडा पे डाइवर्ट मत करिए, सदन निगम जी पे आऊंगा मैं, आ रहा हूँ तुम्हें पे, एक सेकंड। रिपोर्ट का बाध्यता प्रशासन ने खंडन कर दिया कि ये रिपोर्ट गलत है। मेरा सवाल ये है सर, मैं आज चाहता हूँ कि हर भारतीय की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़े। मैं आज चाहता हूँ भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कृष्ण हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, आज उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है ज्यादा वो पैसा कमाए। पर वो कैसे करेगा जब अगर एक ही पीस ऑफ लैंड है, अगर एक ही रिसोर्स है, उस पर अगर 10 लोग के बजाय 1000 लोग होंगे तो कैसे होगा देश तो निकल जी? देखिए मैं इसमें बड़ा साफ हूँ कि जन नियंत्रण, जनसंख्या का नियंत्रण कानून आना चाहिए, और दूसरा ये हमेशा ध्यान रखें हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आज से दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो आएगी उनके लिए आगे की पीढ़ी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले क्या इतने स्कूल कॉलेजेस थे? नहीं थे। आज से 50 साल पहले हम जब पढ़ते थे, जो चीज डेवलप होगी, लोग आएंगे उसके लिए इंतजाम। मुसलमान लोग क्यों देते हैं? कुछ लोग मुसलमानों में भी कुछ लोग, देखिए मैं कानून के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ लोगों के मन में है कि जनसंख्या बढ़ा के हम सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, बात कह रहे क्या सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं तो इसका विरोध है। अगर इनकी गलतफहमी है, हिंदुस्तान में रहने वाले 99% मुसलमान कन्वर्टेड है, हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए, ये नहीं रोक पाओगे। ये 1400 साल पहला है, 1400 क्यों कर रहे हैं तलवार के दम? आप चाहेंगे कि बदरुद्दीन को सस्पेंड कर दें? आप चाहेंगे कि बदरुद्दीन को बर्खास्त किया जाए? जो भी नहीं, बदरुद्दीन की अवहेलना जो भी करेगा, और संविधान को अगर ये कहे कि मैं नहीं मानूंगा। देखिए ये कहना कि मुसलमानों की आबादी करवंजन से बड़ा है, धर्म परिवर्तन से और पैदा करने से नहीं बड़ा है, कितना खतरनाक गलत है। क्योंकि अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिबेट में, उसमें आप एक ही चीज, आज इतने ठंडे क्यों पड़े, क्या आज आपको लगा? नहीं, अगर जनसंख्या की सच्चाई यह है कि हिंदुओं के कानून हिंदू के लिए अलग नहीं बनेगा, मुसलमान के लिए थोड़ी अलग। बात सुनिए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देश में चिंता है वो ये है कि प्यू रिसर्च ने कहा है कि 2050 तक दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहेगी, इसलिए
या जनसंख्या नियंत्रण? आप बताइए कन्वर्जन एक फैक्टर है कि नहीं जनसंख्या में? फैक्टर है कि नहीं है? आबादी बढ़ने का नहीं है, आबादी बढ़ने का नहीं है चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में आर्थिक तौर पर जो विकसित देश है वहाँ जनसंख्या कंट्रोल हो जाती है, जो गरीब देश होता है जनसंख्या बढ़ जाती है। आधार कार्ड अप्लाई कर दिया, सारे गायब हो गए, सारे कन्वर्जन खत्म हो रहा है। ज्यादा आप तक करना चाहता है, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन जब हम बच्चे पैदा किए ये बताइए हैं जनसंख्या कंट्रोल रहे हैं आप बदरुद्दीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने आपने कितने बच्चे? अच्छा मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, बोलो क्या कहोगे? इस देश को खतरा उनसे नहीं है जिनके बच्चे ज्यादा हैं। इस देश को खतरा जो कर्नल आदमी विधानसभा में और लोकसभा में बैठे हैं, पहले उनको निकालो। उनको निकालो प्रिया जी, क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल निकलवाइए, आपका वोट का अधिकार है, निकालकर बाहर फेंकिए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 1993-94 में ये फैसला आ गया था कि जो भी दो बच्चों से ज्यादा जिसके बच्चे होंगे वो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब आप समर्थन करेंगे, कब लागू होगा? क्या भाजपा इसको, भाजपा क्या हर जगह सरकार है, कब भाजपा लेके आएगी? क्या इसको सर्वसम्मति से लेके आएगी कि थोपेगी? आपने अभी खुद कहा कि हम दो, हमारे दो में अगर हिंदू मुस्लिम नहीं था तो आज क्या दिक्कत आ गई? आज हो गई दिक्कत क्यों आ गई? देखिए मैं कह रहा हूँ, कल भी दिक्कत था, आज भी दिक्कत है, कल भी रहेगा। क्यों? आम लोगों में नहीं है। अरे ये गिनती के लोग ये पोलराइज करके अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, करके पर उन्हीं को तो जनता ने कानून में हिंदू मुस्लिम लिखा कहाँ पर हुआ है? कहीं नहीं, मैं भी कह रहा हूँ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन ये करेंगे। एक इधर भी लोग हैं, एक उधर भी लोग हैं, उनको पोलराइज। आपकी तरफ कौन लोग, आपकी तरफ कौन है? जो उधर वाले हैं वही पहले भड़काते हैं और इधर वालों को। एक सेकंड, मेरे को रोकना पड़ेगा, एक सेकंड। सुपौर में आतंकी हमला हुआ है, मैं एक सेकंड के लिए उधर जाऊंगा, तुरंत से जाते हैं, दो सेकंड वापस आऊंगा। सुपौर में आतंकी हमला हुआ है, प्लीज सेकंड। तो बड़ी खबर का लगातार हम रुक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है, बस स्टैंड के पास यह आतंकी हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है 12 लोग जख्मी हो गए हैं, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन देखिए कैसे कायराना हरकत है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद बौखलाहट आतंकियों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आम नागरिक जो बेकसूर है उनको कैसे अब निशाना बनाया जा रहा है? तेजेंद्र हमारे साथ है लगातार। तेजेंद्र ये बताइए किस तरह से अब आतंकियों को घेरा गया है और क्या कुछ अपडेट? देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज, इसमें सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और आर्मी शामिल है, पूरे एरिया को घेर लिया है। ये कुछ ही देर पहले ये ग्रेनेड ब्लास्ट जो है, सोपोर का जो बस स्टैंड है, काफी भीड़ भाड़ भरा इलाका है, सोपोर से कई गांव में जो रास्ता जाता है वहां से ये बस स्टैंड है, पूरे सोपोर टाउन को पूरे जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और वहां पर काफी भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। जो मेन मार्केट है सोपोर का वो भी बस स्टैंड के साथ है, वहां पर ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। जो सिविलियन है उनको टारगेट किया गया है, 19 लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं, 15 मेल हैं और 5-4 फीमेल हैं जो इंजर्ड है, और जो 6 लोग हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं, उन्हें श्रीनगर के जो SMHS या शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, और जो जिनको छुटपुट सी माइनर इंजरीज हुई हैं उनको सोपोर में ही उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो साफ तौर पे पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं कश्मीर में, आतंकी हैं, वो बौखलाए हुए हैं। कल हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की एक डेलीगेशन जो है, 27 मेंबर की डेलीगेशन, वो कश्मीर जाएगी, वहां के हालात का जायजा लेगी, और उससे कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान के जो ये आतंकी साफ नजर आ रहा है कि आतंकी कैसे दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों के मन में डर फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, धन्यवाद। हाँ तो आपने देखा वापस आया, और मैं सवाल में पूछूंगा सर, ये जो आपकी लॉजिक है कि ऊपर से आए, नहीं मुझे देखो काउंटर करना है, नहीं 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 मुझे काउंटर करना है, नहीं, एक अत्यंत ही खतरनाक सांप्रदायिक और जहरीला ही उसी इस डिबेट में रखा है। मेरे को कह रहे हैं कि रोकना है तो कन्वर्सन रोक लो, शाहनवाज की बीवी हो गई, शाहनवाज की बीवी हो गई, अडवाणी की भतीजी हो गई, ये कन्वर्जन होगा? ऐसे व्यक्ति को आप कैसी बात करो? आपने बोला कि ऊपर से आके आए तो आतंकी जो ऊपर से, ये ऊपर का क्या लॉजिक है, ये ऊपर का क्या लॉजिक है, आप इसको कैसी बात कर रहे हैं? देखिए ये इनकी जहरीली बात है, मैंने इनसे नहीं, इनसे नहीं ये कहा, मैंने ये कहा कि कन्वर्जन के हिंदुस्तान मेरे को चुनौती दे रहे में कि कन्वर्जन हो रहा है, आपको रोकना है तो ऐसी बात कर रहे, आपने ऐसा कहा है, आप सशक्तिकरण? देखिए कन्वर्जन इसलिए रुकेगा कि सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी अभी मुसलमान हुई, अडवाणी जी की, ये क्या मतलब है आपका? कन्वर्जन किससे नहीं रुकेगा? आप कौन होते हैं ना रोकने वाले, रोकने वाले आप कौन होते हैं? आपके यहाँ पे जन के डिक्टेटर हो गए, कैसी बात कर रहे हैं आप? वापस लीजिए इनको, आर्टिकल 14-15 जनसंख्या टॉपिक है इनको, कन्वर्जन भारत स्वतंत्र है, मुसलमान और दोनों हो रहा है, दोनों
हो रहे, दोनों हो रहे, लेकिन हम माहौल को मत बिगाड़िए। चैलेंज नहीं किया, ये मत चलिए गलत रास्ते, ये गलत बयान नहीं किया। मेरा कहने का मतलब कट्टरवादी विचारधारा का विरोध होना बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम भी कट्टरवादी विरोध का विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस मुल्क में 130 लाख, 1,30,000 लोग पर डे मरते हैं और 1,30,000 लोग पर डे पैदा होते हैं। आपको नहीं मालूम कहाँ से लेके आइए, आप कहाँ से लेके आइए, मैं आने वाला हूँ। ये इधर बोलना चाहते लोग आ रहा हूँ। प्रिया जी बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोलेंगे बोलो। देखिए, यूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन आजमल कांग्रेस का यूपीए का घटक दल है। 15 साल कांग्रेस राज किया, उनको यूपीए के साथ इन्होंने समर्थन किया। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो औरतों को मशीन समझ रहे हैं, उनसे ये पूछो कि प्रसव के समय जो दर्द होता है, जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के। बड़ी बात बोली, औरतों को मशीन समझ रहे हैं, आप बोल चुके हैं। बोलो बोलो। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम छोड़िए, आप सवाल आप मुद्दे पर आइए, अच्छे से डिबेट कराइए। आप मुझे डिबेट के बाद में सिखाना है, रुक जाइए। और कौन बोलना चाहता है? आप एक से रुक जाइए, बोलिए। क्या हर टाइम ये हिंदू मुस्लिम कभी विकास की बात हुई है भारत में? जब से बीजेपी आई है क्या कभी विकास की बात हुई है? जब से बीजेपी आई है विकास की बात हुई है? जब से बीजेपी आई है विकास तो लोग भूलकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम में ही अटकाने में लगे हैं। एक बात कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने नेशनल टीवी पे ये स्वीकार किया कि कन्वर्जन के बहाने लव जिहाद इस देश की लव जिहाद। सर मुझे आप बताइए, उन्होंने बोला कि आज क्या बच्चों को, मैं वापस से पूछूंगा, बच्चों की माफी चाहूंगा, महिलाओं को हम क्यों एक रिप्रोडक्टिव फैक्ट्री की तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? इट इज द वुमेन्स राइट टू डिसाइड इट, नॉट द मेन्स राइट टू डिसाइड इट। तो फिर ये क्यों? तो आज की जो समस्या है, तो आज मैं पूछूंगा, आज सर सच्चाई है, समस्या क्या है? मैं बता रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ सिखों में, हिंदुओं में, बौद्धों में कुछ जोड़े बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे हैं, कुछ एक पर रह जा रहे हैं, तो एक समस्या। लेकिन लेकिन तमाम मुसलमानों में भी है, लेकिन फैक्ट ऐसी होनी चाहिए। आपको मैं संदेश दे रहा हूँ, नहीं मैं संदेश दे रहा हूँ मुसलमानों में, वो सुनिए, जामिया नगर में हजारों लोग हैं जिनके एक या दो बच्चे। आप डाटा दे दीजिए, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनको घटाना कह रहे हैं कि आपकी जो ग्रोथ रेट है 2.2% से, एक हिंदू की जो ग्रोथ रेट है 1.1% से, आप डबल से कर रहे हैं। ऐसा है कि आप पिछले 20 सालों से हिंदू सिख की ग्रोथ घट रही है, तो इसमें किस कौन नहीं तो सवाल आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये हिंट क्या कर रहे हैं? हिंट क्या करें? मैं वापस से मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप क्या हिंट क्या करना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, 2.8% पे है, हिंदुओं का 2.2%। क्या आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, आपको देखिए आसाम में तो पॉलिसी में क्या करूं? नहीं तो इस फैक्ट को मैं एड्रेस पॉलिसी में कैसे करूं? आप इसको क्यों आपने एक फैक्ट छुपाते हैं? जनसंख्या बताते समय जनसंख्या इस देश की नियंत्रित हुई है, कंट्रोल हुई है, मुसलमानों की भी जनसंख्या घटी है, ये बात नहीं क्या कर रहे मालूम नहीं है। एक महिला, एक मुस्लिम महिला 20 साल पहले रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट, एक 4.4 बच्चे मुस्लिम महिला पैदा कर रही थी 20 साल पहले, और हिंदू महिला 3.8, आज वो संख्या दोनों की घटी है। कैसे आप एक तरफा बात बोल रहे हैं? एक 10 साल में 28% बढ़ता है, एक 0.8% घट रहा है। ये बात नहीं नहीं, ये क्या गलत बोल रहे हैं? ये अवधेश जी आंकड़ों की लड़ाई मैं अवधेश जी मैं नहीं 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 मैं बिल्कुल गलत नहीं। सिखों की 0.28 जो है मुसलमानों की ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस बना 29 से 20। क्या कहेंगे आप? ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारे नेता जो है बकरुद्दीन जैसे नेता हो रहे हैं, और ये डिबेट का तरीका होता है क्या? ये हिंदू मुस्लिम बना दिया हर जगह। हिंदू मुस्लिम इसलिए बनाए क्योंकि बदरुद्दीन ने कहा है, तो इसका खंडन जब तक पब्लिकली नहीं किया जाएगा तो ऐसे बयानों का ही समर्थन लिया जाएगा। जनता में खड़ा होने का मतलब नहीं कि सारा ज्ञान इन्हीं के पास है, जो फैक्ट है मुसलमान और हिंदू का वो बताना पड़ेगा। ये जनता पे सवाल उठाइए, ये जनता पे सवाल बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़ के और पढ़ क्या है प्रिया जी? बस प्रिया जी मुझे आज बता दीजिए, AIUDF के इन्हीं के साथ में यूपीए का गठबंधन हुआ था, आज जब इतनी बात हो रही है, आज आपने भी इसका खंडन क्यों नहीं किया? आज मुख्तार अब्बास नकवी ने जरूर इसका खंडन किया, पर आज मुझे बताइए क्या आप असम के अंदर जो पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, और असम की पॉलिसी देश के बाकी बीजेपी राज्य क्यों नहीं लागू कर? इनकी अतार्किक बात का जवाब अतार्किकता से ही दूंगी, इनकी रूहें जहां से उतर कर आ रही उसी ग्रह पे अपना देश बसा सकते हैं। पहली क्या कहना चाह रही हैं? डायरेक्ट करिए, छोड़िए ना, दे दिया उन्हीं की जुबान में दिया, उन्हीं के लहजे में दिया है। दूसरी बात अरे देखिए, अगर जनसंख्या, हमारे मोदी जी हर जगह कहते हैं छाती पीट पीट के
एक बात तो है, पहले मोदी जी कहते थे कि जनसंख्या एसेट है, अब क्यों कह रहे हैं जनसंख्या बर्डन है? हमारे देश का यूथ, हमारे देश की पॉपुलेशन एसेट जब बन सकती है जब वो भरी पूरी हमारे देश के विकास में योगदान। देखिए देखिए भरी पूरी देखिए देखिए मैं चाह रही कि वो योगदान नहीं कर रहे हैं। अरे युवा फोर्स पर अगर आपके पास संसाधन नहीं और जनसंख्या ज्यादा है तो आप भी अपने घर की थोड़ी प्रॉपर्टी दे दीजिए ना। अरे जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या यही की प्रॉपर्टी है और जनसंख्या ही प्रॉपर्टी पैदा करती है। निगम जी मैं आप पे आऊंगा, आज आप बहुत अंडे पड़ रहे हैं, गोल गोल बात क्यों कर रहे हैं, आज आप डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं हिट कर रहे जैसे अब देखिए इसको हिट कर रहे हैं। आज आप बोलिए सर, आपसे मैं बोलूंगा कि इन्होंने जो कोर्ट किया वो फैक्ट कोर्ट किया, इसमें से एक भी जो चीज कोर्ट की कोई भी चीज कोई भी चीज इनका इमोशनल नहीं है। तो आज आप इसमें क्यों कह रहे हैं कि भैया बच्चे पैदा करने की मशीन है, ऊपर से आएंगे? आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति बोलिए कि इसमें नियंत्रण होना चाहिए, बोले कोई भी धर्म हो। और बदरुद्दीन ने जो कहा है वो गलत कहा है। देखिए हम जामिया नगर ओखला में रहते हैं जहाँ हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इन्हें मालूम नहीं कहाँ रहते हैं वहाँ से पता चल गया जामिया नगर है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये कहाँ से स्टेट आ गया? मुसलमानों में ज्यादा पढ़ा लिखा लोग रहता है, बाकी एरिया में रहता ही सर मुसलमानों में सुनो तो मुसलमान के सारे लोगों के एक दो या बच्चे सारे लोग। देखिए ये वो लोग हैं जो मुल्ला का इस्लाम चाहते हैं, अल्लाह का इस्लाम नहीं चाहते। अल्लाह ने कुछ और बोला है, मुल्ला यहाँ नीचे कह रहा है। रग में पॉइजन मरा हुआ है, क्या बोलेंगे? ये रग में पॉइजन मरा हुआ है, जामिया के पास रहने वाले ये ज्ञानी हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि पढ़े लिखों में दो बच्चे हैं, इन्होंने अपने मुंह से कहा। यानी कि आप जिनको अनपढ़ रखना चाहते हैं उन्हें जाहिल रखना चाहते हैं। देखिए हमारे यहाँ इन किसी की हम सिफारिश से राष्ट्रपति नहीं बने, हम देश के जो है इलेक्शन कमिश्नर हम किसी की सिफारिश से नहीं बने, हम जो है देश के जज बने किसी की सिफारिश पे नहीं बने। ठीक है उसमें कहाँ समस्या है? तो वो जज बने, देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, इनमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों के मन में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये भाव है कि आबादी बना के हम संसद और विधानसभाओं में ज्यादा जा सकते हैं, आरोप आरोप ये भाव पैदा कर रहे हैं लोग कि ताकि ये भाव से राजनीति हो। इनसे सीधे सीधे पूछ लीजिए, अपने मन की बात खुल के बोल दीजिए, गजवाए हिंद सीधे बोलिए ना, गजवाए गजवाए हिंद। अरे क्या होता है, आप क्या जानते हो गजवा? देखिए हदीस पढ़िए, बताइए ना फिर खुल के बोलिए। देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा, टॉपिक पे रहिए एक जी। नहीं नहीं मेरे को ये गलत, टॉपिक पे रहिए एक जी, डिबेट मत करिए, बात सिंपल जनसंख्या नियंत्रण की, बोलिए टॉपिक को डिबेट मत करिए, बोलिए। आप एक मिनट दो, ये कहते हैं कि दो बच्चे होंगे जिनको उनको नौकरी देंगे, जिनके एक भी नहीं उनको तो ये नौकरी देते नहीं है भी। बीजेपी सवाल कीजिए, आप बोलते हैं कि जिनको दो बच्चे होंगे उनको नौकरी देंगे, जिनके एक बच्चे उनको तो नौकरी नहीं देते। बेरोजगारी की समस्या पे आरोप, आपके घर में जाके नौकरी। आज हरियाणा और महाराष्ट्र के जो आप वर्डिक्ट देख लीजिए, आपने 75 पार का वादा किया था, आपने 75 पार का वादा किया था, आपने 220 पार का वादा किया था, और आज जनता ने आपको बोला कि आपको समस्याओं का एड्रेस करना है नौकरी के लिए। अरे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, बीजेपी क्वेश्चन, अरे गलत क्वेश्चन है। शेर कभी आपके सिटीजन है, शेर कभी नौकरी ढूंढता है? रविन्द्रनाथ ठोकरी ने नौकरी ढूंढी। सनसनी फैला रहे, सनसनी वाली बातें करे, सनसनी वाली बातों से देश का भला नहीं होगा, सनसनी वाली बातें करे, थोड़ी समझदारी की बात करें। रुक जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? एक सही, क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? शेर कभी नौकरी, बुद्धिजीवी आदमी देश की जनता को क्या कह रहा है? अरे ये नौकरी हम मांगी, दर की जगह एक शेर पैदा करो, दस की दर की जनाएगा। अब देश जी आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस देश की जनता बेरोजगार बनी रहे क्योंकि उसको नौकरी की जरूरत नहीं? अब देश जी क्या आर्ग्यूमेंट है, आप कैसी बात कर रहे हैं? करो महात्मा गांधी ने कौन सा रोजगार दिया? तो उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट था यार, अभी देश को नरेंद्र मोदी ने कौन सा रोजगार दिया? अब देश जी अचानक इनके मुंह से निकल गया, गलती मान ली। अच्छा तो बेसिकली मतलब आप आ जाइए, आज आप नौकरी नहीं कर रहे, आज आप कंसल्टेंट नहीं है, आज आप नौकरी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत को नौकरों का देश नहीं, हमको शेरों का देश बना। अरे तो शेर भी जो है कमाएगा कैसे? शेर को भी तो कमाना है, शेर को भी तो कमाना है, बिना कैसे कमाएगा? नंगा घूमेगा, नंगा घूमेगा। ये कौन सा क्या शेर हिंद जान और शेर का खुराक तो और ज्यादा होता, वो कहाँ से लाइए? नहीं देने के लिए इंसान की तुलना के लिए गीदर सो पैदा हम यहाँ तो क्या हो गया है? अब देश के मुंह से गलती निकल गई तो माफी मांग लीजिए, ये कोई गलती नहीं। आप अवधेश जी की बयान का समर्थन करते हैं कि लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, एक शेर की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो शेर है उसको नौकरी की जरूरत नहीं होती, कैसी बात? जानवर बनाना है, ये शेर जानवर है, ये जानवर बना रहे हैं हिंदुस्तान जी, क्या आरोप है? आप बताइए आपका क्या स्टैंड है? नौकरी बात का जवाब दूंगी सिर्फ सर, नौ
नौकरी देने, घर जाके नौकरी देने की बात नहीं, नौकरी के कंडीशन की बात है कि जिनके दो बच्चे होंगे नौकरी का अधिकार उनका होगा, बात ये हो रही है पहली बात। दूसरी बात, आप ये जनसंख्या, जनसंख्या में आप ये भी तो देखिए कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड जनसंख्या होगी तो क्या हर किसी का भरण पोषण नहीं होगा? आंकड़े उठा के देखिए, यूएनओ तक की रिपोर्ट आ गई है कि किस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। 5 साल पहले ही आपने बयान दिया था कि ये एसेट है, 5 साल पहले ही आपका बयान था जो कैंपेन के अंदर की जनसंख्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसेट है, 5 साल बाद कैसे बढ़ने? देखिए अब ये बता दीजिए कितनी नौकरियां छीनेंगे, देरी तो है नहीं, छीनेंगे कितनी? अगर कमाने वाले हाथ हैं तो एसेट है, अगर बोझ है तो कहां से? 1,48,00,000 नौकरियां हर साल जा रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है लगी लगाई। अब देखिए आप तो चाहेंगे कि लोग मैं आप एक तो गलत अर्थ लगाते हैं, जीविकोपार्जन सबको चाहिए लेकिन जीविकोपार्जन के लिए केवल नौकरी व्यापारी और जाते जाते ये कहना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण को धर्म के चश्मे से देखना देशहित के खिलाफ है, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है पर सर्वसम्मति के साथ जरूरत है क्योंकि महिला का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ललकार के स्पेशल एपिसोड में, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।